नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल सूचना वेलकर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक ओप्पो A53 का मोबाइल कुरियर हुआ है और जो टेक्नीशियन भाई ने ये मोबाइल हमारे पास कुरियर किए हैं, उन्होंने ISP पिन आउट के टाइम पे कुछ ट्रैक मिसिंग हो गया है CPU से, इसलिए ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड हो गया है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो पर जो ओप्पो A53 मॉडल का जो हमारी लगती है STM 4250 जो हमारी CPU लगती है, उसका जो ट्रैक मिसिंग हो गया उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पे। फिलहाल दोस्तों इस पर हम चेक करेंगे कि अभी कितने ट्रैक इस पर मिसिंग है। तो पहले दोस्तों हम मोबाइल की मदरबोर्ड को ओपन करेंगे और इस पर कितने ट्रैक मिसिंग हो जाने की वजह से ये मोबाइल डेड है और इस पर क्या कंडीशन है इसको चेक करेंगे माइक्रोस्कोप से। तो चलिए दोस्तों इसको माइक्रोस्कोप से हम चेक करेंगे कि इस पर कितना ट्रैक मिसिंग हो जाने की वजह से ये मोबाइल डेड है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ से 2 या 3 OR मिसिंग है और यहाँ से काफ़ी सारी ट्रैक ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गई है। इस कंडीशन पे दोस्तों पहले हमारा काम है हम डिसोल्डिंग ओयर से ये जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुई है जो शोल्डर, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ये जो शोल्डर है इसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर में भी हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि नीचे के जो बॉल है वो पिघल जाएगा। तो पहले दोस्तों थोड़ी सी यहाँ से हम सर्जिकल ब्लेड से इसको कटिंग करेंगे और उसके बाद इसका जो ग्राउंड के साथ जितने भी शोल्डर लगी हुई है इसको डिसोल्डिंग ओयर की मदद से इसको ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम डिसोल्डिंग वायर की मदद से पहले हम जितने भी हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुई है शोल्डर इसको साफ करेंगे और उसके बाद फिर हमारी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी एक लाइन जो हमारी ग्राउंड के साथ ज़्यादा ही कनेक्ट था उसको हमने इसी तरह से क्लीन कर दिए। अब दोस्तों दो साइड के जितने भी ग्राउंड्स है वो ग्राउंड्स को हम सर्जिकल ब्लेड की मदद से इसको कम्प्लीटली ओपन कर देंगे क्योंकि ग्राउंड की कोई ग्राउंड ना होने की वजह से भी ये मोबाइल ऑन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितने भी ग्राउंड से CPU की वो ग्राउंड से यहाँ से जो शॉर्ट हुई है ट्रैक के साथ हमारी RXOP, RXN, TXOP, TXN के साथ जो शॉर्ट हुई है और जो ट्रैक मिसिंग हो गई है वो ग्राउंड को ओपन ना करने से आप ये जंपर नहीं कर पाएंगे, हम क्या आपके कोई भी जंपर नहीं कर पाएगा। तो पहले दोस्तों हम इसका ग्राउंड के साथ जितने भी कनेक्ट है वो ग्राउंड को यहाँ से ओपन करेंगे और ग्राउंड को ओपन करने के बाद हम जो ट्रैक मिसिंग हो गई है इसको जंपर बनाने की कोशिश करेंगे। ये मोबाइल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझको भी पता नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे चाहे अनसक्सेस हो या सक्सेस हो। तो पहला काम हमारी बनता है दोस्तों ये मोबाइल को हम
वर्क करे, इस पर वर्क करे, चाहे सक्सेस हो या अनसक्सेस हो इसको वर्क करेंगे। तो इसी तरह से हम ग्राउंड को एक सर्जिकल ब्लेड की मदद से इसको कम्प्लीटली रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जो ट्रैक मिसिंग है इसको जंपर बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको और एक बात यहाँ से बता देता हूँ कि ये जो जंपर वायर यूज होती है, पहले जो जंपर वायर हम यूज़ करते हैं 0.007 mm की जो हमारे सनशाइन की जंपर वायर पहले यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो पे दोस्तों हम मैकेनिक की 0.009 mm की जंपर वायर यूज़ करेंगे। 0.007 से 0.009 थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि CPU की लाइन जो बीच CPU के अंदर जो ट्रैक होती है ना वो बहुत ही नाजुक होती है और बहुत ही थिकनेस होती है, तो इसको जंपर बनाने के लिए थोड़ी सावधानी पर रखनी पड़ेगी। इसी तरह से हम धीरे धीरे से जो हमारी ग्राउंड से इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसको कोशिश करेंगे कि इसका जंपर सक्सेसफुली बन जाए। तो चलिए दोस्तों इसकी जंपर की प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ से तो दोस्तों जो ट्रैक मिसिंग हो गए थे उसको हमने जम्पर कर लिया और मल्टीमीटर से हम चेक भी कर लिया कि इसका जो ट्रैक है वो कम्प्लीटली सही है। तो अब दोस्तों हम इसको चेक करेंगे कि हमारी मोबाइल जो कम्प्लीटली डेड था वो ट्रैक मिसिंग हो जाने की वजह से वो सक्सेसफुली ऑन हो गया या नहीं हुआ। अगर ऑन नहीं होगा तो इसको दोबारा हम कोशिश करेंगे इस पे क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारी OPPO A53 का मोबाइल जो कम्प्लीटली ट्रैक मिसिंग हो जाने की वजह से डेड था वो सक्सेसफुली रिकवर हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों जो ISP पिन आउट की मदद से हम इसका अनलॉक करेंगे GTR+ की बॉक्स की मदद से। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसका जो जम्पर हुआ है इसको यूवी ग्लू से कवर कर देते हैं क्योंकि ये जम्पर बहुत ही नाजुक है, ये थोड़ी सी ही इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये टूट जाएगी और हमारी काम अधा अधूरा रह जाएगा। तो पहले दोस्तों हम यहाँ से जो हमारी क्लीनर यूज़ करते हैं उसके बारे में हम ये बोल देते हैं कि हम क्या क्लीनर यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम दोस्तों मैकेनिक का 850 Pro यूज़ करते हैं और रियल लाइफ का RL1000E भी यूज़ करते हैं, RL1000 भी यूज़ करते हैं। ये तीनों का जो लिक्विड है वो तीनों का लिक्विड काम एक है दोस्तों। जो भी लिक्विड आप यूज़ करेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो पे मैं दोस्तों रियल लाइफ का RL1000E लिक्विड यूज़ किया हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लिक्विड है। और लिक्विड यूज़ करने के बाद हम जो यूवी ग्लू से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कवर हो जाने के बाद हम ISP नट की मदद से इसको जंपर बनाएंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस पर CPU स्कार्च हुई है तो इसको हम ISP नट करने से कोई असुविधा नहीं होगी। तो यहाँ से हम ISP नट की मदद से इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका यूवी ग्लू से कवर करके इसका ISP नट को हम जंपर करते हैं। यहाँ से तो दोस्तों सक्सेसफुली हमारी ISP जंपर हो चुका है। अब दोस्तों हमारी GTEC बॉक्स के जरिए हमारी ISP अडोप्टर को बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारी USB जो हमारी क्वालकॉम पोर्ट शो हो गई। अब दोस्तों हम EMMC फाइल मैनेजर के टूल ओपन करेंगे और यहाँ से हम कनेक्ट टू UFS चूज़ करेंगे और यहाँ से कनेक्ट टू UFS में चूज़ करके यहाँ से हमारी आइडेंटिफाई ISP मेथड से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आइडेंटिफाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। ये कम्प्लीटली आइडेंटिफाई लेने के बाद हम इसको अनलॉक करेंगे। तो पहले दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारी OPPO A53 का मॉडल ISP पिन आउट की मेथड से ये सक्सेसफुली आइडेंटिफाई ले चुकी है। अब दोस्तों हम टूल की टैब में जाएंगे और हमारी ओप्पो वीवो जो विदाउट डाटा लॉस से जो हमारी टैब है पासवर्ड अनलॉक के लिए, इसको क्लिक करने से हमारी जो MISC पार्टीशन माइक के पार्टीशन वो डिलीट हो जाएगी और हमारी मॉडल सक्सेसफुली जो OPPO A53 का मोबाइल क्वालकॉम बेस वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगी। ये देखिए हमारी MISC जो पार्टीशन है वो डिलीट हो गई। अब दोस्तों यहाँ से हमारी फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ से हमारी जो ISP पिन आउट है इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हमारी मोबाइल को फिर एक बार चेक करेंगे हमारी मोबाइल पे जो पासवर्ड था वो सक्सेसफुली रिमूव हो गया या नहीं हुआ। मैं काफ़ी देर दोस्तों को इस वीडियो पे एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी टेक्नीशियन
सीपीयू ड्रिल करते हैं, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे से काम करें, ज़्यादा जल्दबाजी में वो काम ना करें, क्योंकि सीपीयू ड्रिल करने के आफ्टर अगर मोबाइल आपकी डेड हो जाए इस कंडीशन पे कस्टमर आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन करेगा और आप उनके क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको भी बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप वो काम के लिए ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि दोस्तों आप धीरे धीरे से काम करेंगे तो आपको 100% ये मोबाइल आपकी सक्सेस हो जाएगी, जो भी मोबाइल हो आपकी सक्सेस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।